Assalamualaikum. Sorry for late class. You know, Karachi का weather, Karachi की electricity और internet, हर चीज़ ही almost जो है वो slow हुई हुई है. तो अब देखते हैं अभी ये क्लास हम कंटिन्यू हैं कितनी कर सकते हैं. तो आज जो हमने कैलीग्राफी करनी थी तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करता हूँ. हमने इसके ऊपर दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करेंगे हम. एक तो ये हमने जो है फ़ोटो पेपर लिया है, ठीक है. ये फ़ोटो पेपर आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होता है. मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ठीक है जी. ये HP का फ़ोटो पेपर है हमारे पास, ठीक है. मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस किस्म का होता है. इसकी ख़ासियत ये है इस फ़ोटो पेपर की कि ये इसकी जो एक साइड होती है जहाँ बेसिकली प्रिंट किया जाता है तो वो बहुत ही जो है ग्लोजी होती है. ये अगर आप देखें तो आपको इसकी शाइन से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है. अच्छा, इससे कलर जो है वो ख़राब नहीं होता कि कलर इसके आर पार नहीं हो जाता है. तो ये भी एक हमें थोड़ा सा इसका एडवांटेज होता है. अच्छा दोस्तों, आप लोगों के जो शेयर्स होते हैं तो उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि फिर आप लोगों के कमेंट्स जो है ना मुझे वो लाइव दिखना शुरू हो जाएंगे. वैसे मुझे जो है वो कमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है. मैं ट्राई करता हूँ कुछ लिखने की और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि माइट बी पॉसिबल आप लोगों को शायद दिखें कमेंट्स वगैरह भी, मतलब मुझे आप लोगों के कमेंट्स वगैरह जो हैं वो नज़र आएँ. चलें अब हम वर्किंग की तरफ आते हैं क्योंकि आज क्लास बहुत बेतुके टाइम पे हो गई है. वजह उसकी कि इंटरनेट ऑलमोस्ट यहाँ पे डाई हुआ था. एनी हाउ, अच्छा अब हम जो ये कलर इस्तेमाल करेंगे तो जी हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है हमारा, तो इसके अंदर जो है वो हमने डार्क कलर्स के अंदर यूज़ करना है. फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लाइट कलर की तरफ चले जाएंगे जो इसका हम बैकग्राउंड यहाँ पे करेंगे. पहले जो हमारी वर्किंग है वो इसके ऊपर होगी और मैं अपने कैमरे को और थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली इसके ऊपर वर्किंग जो है वो होती हुई नज़र आ जाए. तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल इसकी निकल के आती है. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं. हो सकता है कि आज क्लास के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ना हों और इंजॉय कर रहे होंगे. ये आप देखें कि मैंने ये डार्क ग्रीन कलर लिया है, ठीक है. और इसको मैं फिर जो है वो आर्ट नाइफ से थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊँगा. और ये हमारी लाइट यहाँ जा चुकी है और अब अगर कुछ वर्किंग नज़र आती है तो फिर मैं इसके ऊपर काम करता हूँ. कोशिश है कि आज अंधेरे भी अगर होता है तो मैं उस पर भी रहते हुए काम कर लूँ. बाकी अल्लाह मालिक है, आप लोगों को कितनी लाइट इसमें नज़र आती है या नहीं आती है. या मैं एक काम ये करता हूँ कि अगर आप लोग जस्ट मतलब एक 30 सेकंड का अगर आप लोग वेट करें तो मैं एक लाइट छोटी सी यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ. ये लाइट जा चुकी है, लाइट जा चुकी है, बट हम अपने काम को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर सकें. और ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर को थोड़ा सा नाइफ से लगाया है, ठीक है. और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने कलर लगाना है वो हम पर्पल लेंगे. अच्छा, ये मैं नाइफ से लगाने की वजह इसकी सिंपल मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट मैं कलर को सिर्फ लगा रहा हूँ यहाँ पे. और उसके बाद फिर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मिक्सिंग जो होगी वो ब्रश के ज़रिए ही होगी. और ये अब आप देख रहे हैं कि मैं ये किस तरीके से
कलर को यहाँ पे इसके साथ मर्ज करना शुरू कर दिया है। और जब ये जैसे जैसे मर्ज होता जाएगा तो अब थोड़ा सा आप लोगों को बेटर फील होगा। ये वायलेट कलर मैंने लगाया, पर्पल कलर यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं काफ़ी गर्मी हो चुकी है, बट कोशिश है कि आज हम इसको मुकम्मल करें। वालेकुम अस्सलाम नादिया नियाजी, आज मुझे आप लोगों के कमेंट शो हुए हैं काफ़ी टाइम के बाद। अव्वल आलम, ऐसा क्यों हो रहा था कि मुझे कमेंट शो नहीं होते? हो सकता है मेरी मिस्टेक हो कि मैंने जो है वो शायद मुझे गाइड किया थोड़ा सा कि भाई अगर आप शेयर करवाते हैं तो उसके बाद आपको कमेंट शो होना शुरू हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर ख़ुद भी कोई कमेंट उसके ऊपर कर देते हैं तो फिर आपको कमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लाइट जा चुकी है इधर, और जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि आज हम अंधेरे में काम करेंगे बिना किसी पंखे के, बिना किसी और चीज़ के, क्योंकि अभी जनरेटर ऑन करने के लिए मुझे ख़ुद से ही जाना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। और अब हम इसके ऊपर ब्लू कलर को अप्लाई करेंगे। ये अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, जिन जो लोग ऑयल पेंट पे काम करते हैं उनको एक चीज़ का आइडिया होगा थोड़ा सा, कि ऑयल पेंट का अपना भी एक जो ऑयल है ना वो ट्यूब के अंदर होता है, अगर तो वो ट्यूब आपकी बड़ी फ्रेश फ्रेश है, ठीक है ना। और जब भी आप ऑयल पेंट ट्यूब परचेज़ करने जाते हैं उसको थोड़ा सा दबा के देख लिया करें, अगर वो सॉफ्ट है तो समझ जाएँ कि अंदर जो कलर है वो ज़्यादा फ्रेश है, अगर वो थोड़ी सी हार्ड हो गई हो तो उस ट्यूब को ड्रॉप कर दें आप, मीन्स के ना लें। हमारे अक्सर दोस्त जो हैं वो जब कलर्स वगैरह परचेज़ करके लाते हैं तो उसके बाद वो बैठे परेशानी होते हैं कि यार ये मैं तो कलर लेके आया था और ये इतना थिक है कि निकलता ही नहीं है ट्यूब से। तो अचानक से एक चीज़ वो भी याद आ गई, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा गाइड कर दूँ। अच्छा, ये हम लगा चुके हैं कलर इसके ऊपर, और अब हम जो हैं वो ब्रशेस निकालेंगे और फिर इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज ज़रूरत से ज़्यादा ही गर्मी, खैर लाइट ही नहीं है तो गर्मी तो होनी है, हब्स भी बहुत है कराची के अंदर। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि इसकी मिक्सिंग मैं क्रॉस में करता जा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाइफ से लगाने के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि हम जो हैं वो इसके ऊपर जो भी हमने वर्किंग देनी है, जिस तरह के हमने शेडो इसके ऊपर डालने हैं वो हम डाल सकें। ये मैं अंदर तक इसके जो है वो कलर को, ये आप देख रहे होंगे कि मैं इसके अंदर की साइड पे भी कलर को जो है वो लगा रहा हूँ, ताकि जो वाइट एरिया अंदर का इसका दिख रहा है शीट का वो नज़र ना आए। मैं दोबारा से गाइड कर देता हूँ कि इसके साथ जो हमने इसके बैकग्राउंड के लिए शीट रखी है वो जो शीट है वो फोटो पेपर है। अब इस पे काम करने का मकसद यही है कि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि किन किन चीज़ों के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे दोस्त है बाब, वो एक उनका माइंडसेट बना हुआ है कि जी कैनवस होगा तो काम होगा, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि उसको इन चीज़ों की नीड नहीं होती कि मेरे पास यार ये वाला ब्रश सेट नहीं है, 6 सीरीज़ के मेरे पास ब्रशेज़ नहीं है, 7 सीरीज़ के मेरे पास ब्रशेज़ नहीं थे, इस वजह से ना मेरे काम के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं है। जिसको काम करना आता है वो एक लोकल ब्रश भी उठाएगा काम स्टार्ट कर देगा, वो लोकल कैनवस भी उठाएगा उससे उस पर काम स्टार्ट कर देगा, उसको कुछ भी चीज़ मिलेगी उसने काम करना है तो वो अपना काम। सॉरी, वही एज़ यूजल इंटरनेट का इशू, और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं स्पेशली कराची के अंदर उनको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे किस किस्म के क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं। मैं इसको बुराई नहीं लेता, ठीक है, ना एली है थोड़ी सी, बट अब क्या किया जा सकता है। खैर, मैं यहाँ पे दोबारा कुछ कमेंट में राइट डाउन कर देता हूँ ताकि मुझे कमेंट्स मिलते रहें। और अच्छा, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है,
ये अब आपने देख लिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वर्किंग करने का भी सोच रहा हूँ, वो मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने जो इसका दूसरा पीस है मैंने उसके ऊपर वर्किंग करनी है, ठीक है। अब वो दूसरे पीस की तरफ मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा मूव करूँगा ताकि आप लोगों को, अब मैंने इस शीट के ऊपर काम करना है जो फ़ोटो पेपर है, ठीक है। अब फ़ोटो पेपर के ऊपर जो काम करूँगा मैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को एक नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से काम होना है, क्या होना है। लाइट नहीं है यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी आज, बट उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे स्किन वाइट कलर ले लिया, इसको आप चाइनीज़ वाइट कलर भी कहते हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने किस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर येलो कलर को अप्लाई करूँगा, ठीक है। और जो इसको भी मैं अपने आर्ट नाइफ से ही लगाऊंगा, और उसी आर्ट नाइफ से लगाऊंगा जिससे मैंने इससे पहले शीट के ऊपर लगाया था। उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ डिफरेंट किस्म का शेड जो है, या बैकग्राउंड आप कह लें, वो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। ये देख लें आप कि ये मैंने इसको ना साफ़ किया ना कुछ किया, और मैं इसी को दोबारा से अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये पहले मैंने कलर इस तरीके से मैं उठाता जाऊँगा इसके ऊपर से, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट तरीके से मैंने कलर को ले लिया है। और अब मैं इसके ऊपर वर्किंग अपनी करूँगा। अब आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्यों जो है वो कलरफुल ही लिया इसको, नाइफ को, आपको एक आइडिया हो गया होगा। अब बहुत इजीली, कोई इतनी ख़ास मेहनत इसके ऊपर आपको होती हुई अभी नज़र नहीं आ रही होगी कि यार ये तो आप कोई भी उठाएगा और शुरू हो जाएगा। और मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि जब आप कोई भी वर्किंग करें तो आप उसको ये सोच के कीजिए कि अच्छा ये काम है, ये तो बस मैंने अभी ब्रश उठाना है, नाइफ़ उठाना है, कलर उठाना है और मैं कर गुजरूँगा। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश भी यही होती है कि जब भी आप काम करें तो कुछ ऐसा ही फील करते हुए, इतनी कॉन्फिडेंटली आप जो है वो वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। ये आप देख लें, इसके ऊपर हमने कोई ऐसे वो अप्लाई नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, कितने शॉट उसके अंदर हमने ये चीज़ बना दी है। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि ये जो आपके पास जो ये शीट्स होती हैं इस पर कटिंग हुआ हुआ होता है, ये कहीं मार्केट में अवेलेबल है? तो शीट तो अवेलेबल होती है, ये आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, फ़ोटो पेपर बुक शॉप पे मिल जाएगा। बुक शॉप अगर वहाँ जहाँ पे आपको बहुत स्टेशनरी जो है वो थोड़ी सी यूनिक किस्म की नज़र आएगी, ठीक है, तो वहाँ मिल जाएगा। जहाँ पे कलर्स वगैरह आपके पास जो है वो बहुत ईजली जिनके पास होते हों वो मिल जाएगा। मैं आपको फ़ोटो पेपर का इसका बॉक्स एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, ये फ़ोटो पेपर इसके ऊपर लिखा हुआ, थोड़ा सा भी ये इंजेक्ट पेपर भी कहलाता है, A4 साइज़ के अंदर होता है ये, 20 शीट्स का ये मिल जाएगा आपको ईज़िली, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये HP वालों का फ़ोटो पेपर है, और डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं, कुछ लोकल भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो है वो पेपर कोई एक ही मखसूस कंपनी का ही आपको यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये जो माउंटेन शीट के ऊपर मैं वर्किंग अपनी करता हूँ, तो इसके हवाले से मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये स्टेंसिल्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ शीट तो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, ईजिली मुराद ये है कि हर जगह ये भी नहीं मिलती है, आपको माउंट शीट भी थोड़ा सा आपको सर्च करनी पड़ेगी मार्केट। कराची के हवाले से मैं गाइड कर सकता हूँ, बट क्वालिटी का एक इशू आ जाता है कि वो इसके भी मुख्तलिफ ग्रामेज के अंदर होती हैं और वो आपको पता होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू में हमको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि जोश जोश में हम भी लेके आ जाते थे चीज़, और उसके बाद आके बैठ के सोचते रहते थे कि यार ये क्या है, हमसे तो काम ही नहीं हो पा रहा इसके ऊपर। तो उसकी वजह ये होती थी कि वो शीट हमें हमारे मतलब की नहीं मिल पाती थी। तो एक एक्सपीरियंस जब तक नहीं है आपके पास तो वो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, अब ये मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको इसके ऊपर रख दूँगा, ठीक है। ये मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। मैं अपने हाथों को थोड़ा सा वॉश करूँगा, हल्का फुल्का सा वॉश क्या करूँगा, मतलब साफ़ कर लूँगा, और फिर उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे।
वो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो ये है कि इसको अब मैंने इसके ऊपर पेस्ट भी तो करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास सोल्यूशन सिर्फ यही है कि मैं इसको इसी ब्रश के ज़रिए, जब देखें मैं कलर भी वहाँ से उठाता जा रहा हूँ, और ये मैं इसको इसके ऊपर मैं इस तरीके से, ये आपने देख लिया, ठीक है, ये मैं कलर भी इसके ऊपर लगता चला जाएगा, और ये आपके सामने है, और ये एक डिफरेंट स्टाइल में आपको इसके ऊपर शेड्स भी नज़र आएंगे, कलर आप साइडों पे देख रहे हैं, यही मेरे काम भी आ जाएगा कि जब मैंने इसको इसके ऊपर प्रेस करना होगा तो मैं इसी कलर को उठाऊंगा और इसके ऊपर प्रेस भी कर दूंगा। अब ये मैं इसकी दूसरी साइड पे आ जाता हूँ, तो ये आप देखें अब ये कलर उठना शुरू हो गया है, और कैसे उठ रहा है ये आप देख रहे हैं, और जहाँ से मुझे नहीं मिल सकेगा तो मैं वहाँ से कलर थोड़ा सा उठा के लगा लूँगा। ये अब आप मत काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। क्लास आज बहुत छोटी थी लेकिन इश्यूज़ आ गए, और इश्यूज़ क्या आ गए, इश्यूज़ वही आ गए कि इंटरनेट ने पहले हमें तंग किया, उसके बाद ड्यूरिंग द वर्क हमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी वालों ने थोड़ा सा परेशान कर दिया, लेकिन घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं आनी है, आपने अगर अपना कोई वर्किंग करनी है आपका गुजरिए, अल्लाह मालिक होता है उसका। ये हमारी चीज़ एक तैयार हो चुकी है, आज ये शायद लाइट कम होने की वजह से आपको बहुत अच्छे तरीके से तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगा कि वो आपको ईज़िली समझ में आ जाए। इसकी कटिंग मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आज हमारी क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई, और फिर दूसरी चीज़ ये हो गई कि लाइट चली गई है, तो आज कुछ हमने बस फॉर द टाइम बिंग एक एडजस्टमेंट निकाल के हमने ये वर्किंग कर दी है, तो ये अब आपके सामने है टोटल वर्किंग, ये आपने देख ली है। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप दोस्तों से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।